बबीताऊ राम, चानो प्रखंड के छोटे से गांव चोड़ा की रहने वाली हूँ। चोड़ा को तो कभी नहीं छोड़ सकती, वो काहे कि कृष्णा सर का घर था ना। तो यहाँ बहुत ऐसे हैं जो नए हैं और बहुत ऐसे हैं जो बहुत पुराने। मैं कहना चाहूंगी जो नए हैं एक बार हाथ उठा दे ताकि मैं जान सकूँ कि यहाँ आए वो आए हुए नए हैं। चलिए उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब जो हमारे पुराने लीडर है उसके लिए भी जोरदार तालियां। जो भी यहाँ खड़ी हूँ मैं अभी, वो मेरे लीडर के द्वारा ही मैं खड़ी हूँ। वरना अगर शेफ शॉप ना होता, कृष्णा सर ये बिजनेस नहीं किए होते, लीडर नहीं बनाए होते, तो शायद मैं यहाँ आज नहीं होती ना। मैं आप लोग को जान पाती ना आप लोग मुझे। आप लोग तो मुझे जानते होंगे बहुत लोग, पर मैं बहुत कम जानती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इससे पहले ना मैं नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी, पर बिजनेस जब से कृष्णा सर छोड़ के गए हैं हमको, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या कि अब ऐसा दुनिया आ गया है ना मेरे दोस्तों, कि नहीं बोलने से ना बात ही नहीं बनता है, नहीं बताने से आदमी विश्वास ही नहीं करता है, नहीं दिखाने से आदमी विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए मैं घर से निकल रही हूँ, इसीलिए बहुत आदमी मुझे जान सक रहा है कि हाँ बबीता नाम है, बबीता नाम करके भी एक है। आज कृष्णा सर नहीं है, पर उन्हीं के बदौलत में आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उन्हीं का देन है कि आज मैं इतना बोल पा रही हूँ। मेरे ऊपर भी मेरे अप्लाइंस सब है, उस सर के लिए एक बार जोरदार ताली। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। जब हम लोग ये बिजनेस नहीं ज्वाइन किए थे उससे पहले क्या करना कर रहे थे हम लोग, आप लोगों को जानना चाहोगे? Yes, इससे पहले बिजनेस जब हम लोग को नहीं मिला था, इससे पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे। मेरे ससुर जी का जो वो आर्मी में थे, तो उनको मिला था चौड़ा में मिलता है जमीन, उसी में हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। कृष्णा सर भी, हम भी। कृष्णा सर तो ग्रेजुएट थे, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैट्रिक तक ही हूँ। और वही खेती बाड़ी के करते करते कृष्णा सर एक सरकारी स्कूल में छोटा सा टीचर थे, ज़्यादा वेतन तो नहीं मिलता था, 2000 मिलता था। और वही भी खेती बाड़ी करते वो स्कूल में पढ़ाते थे, बस उसी से हम लोग का गुजारा चलता था। हम लोग को बिजनेस मिला देखने के लिए, हम लोग किए। अब हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 5 साल हो रहा, 5 साल या 6 साल ही हो रहा है। पर देखिए आज 5 या 6 साल का मेहनत का क्या फल लाया। आज कृष्णा सर नहीं है, पर कृष्णा सर थे तो उससे पहले तो हम चेक नहीं देखते थे, चेक हम देखने ही नहीं जानते थे, सर से भी नहीं पूछते थे कि कितना का चेक बना, कभी हमको सर दिक्कत होने ही नहीं दिए सर। हमको रहते थे कृष्णा सर थे उस टाइम भी दिक्कत नहीं हुआ, आज कृष्णा सर नहीं भी है तो भी इतना सा भी दिक्कत नहीं। आज मैं अपने से चेक देखती हूँ कृष्णा सर का कि इस हफ्ता इतना बना, इस हफ्ता इतना बना, खोल के मोबाइल में मैं खुद देखती हूँ, चेक करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज वो नहीं है तो भी चेक बन रहा है, और उनका 5 साल का मेहनत आदमी कोई सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ आती हूँ इस सब में। देखा जाए तो 5 साल में जिंदगी नहीं बदलती है। बाहर के सेक्टर में देखा जाए तो 5 साल में जिंदगी बदलती है क्या? नो। पर जिंदगी कहाँ बदलती है? सेफ शॉप में। सेफ शॉप में, सिर्फ सेफ शॉप में बदलेगी। क्या कि जब बबीता उरांव का जिंदगी बदला तो आप लोग का ही बदलेगा। इसीलिए कहूँ मैं कहना चाहूंगी कि सेफ शॉप को एकदम दिल से करिए। ऐसे हम लोग का बिजनेस है डायरेक्ट दिल से, उसी एकदम दिल से मेहनत कीजिए, आपका फल हमेशा मिलेगा आपको। आप अभी अपना मेहनत का फल जीते जी दे सकते हैं। भगवान ना करे किसी घर में मुसीबत बता के नहीं आता है, मेरा घर में भी मुसीबत बता के, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कृष्णा सर के बगैर भी जी सकती हूँ। मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग
कैसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, जितना जिंदगी है इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि जीते जी तो आए पर मरने के बाद भी आए दोस्तों, मरने के बाद भी आए। जी रही हूँ तो सिर्फ अपने बेटे के, मेरा बेटा है 10 साल का, अभी हॉस्टल में है, कल लाई हूँ, उसके जाके तबीयत खराब हो गया था तो लाई हूँ, घर में है वो, बस जी रही हूँ तो उसी के लिए जी रही हूँ। ऐसे तो मुझे कोई चीज का दिक्कत नहीं है, पैसा का तो दिक्कत है ही नहीं है, काहे कि आज की दुनिया में अगर पैसा नहीं है ना दोस्तों तो कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को, कोई नहीं। अगर पैसा आपके पास है ना तो आपको नहीं जानता तो भी वो टोक के बोलेगा, आपको बात करेगा। तो जो खेल है यहाँ पैसे का ही है, और सेफ शॉप में तो इतना पैसे है ना, बस आपको लेना कितना है वो आपको डिसाइड करना है कि लेना कितना है आपको। क्या नहीं मिलेगी, मिलती है सेफ शॉप में पैसा, मिलती है। अभी सर लोग चेक बताएं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर लोग झूठ बोल रहे हैं कि इतना चेक आ रहा है, फिर रियल में बता भी दोस्तों, ये सर लोग तो चलिए अपना से चेक कर रहे ना, मैं कृष्णा सर की आईडी को चेक करती हूँ, सोचिए वो नहीं है, 6 महीना हो गया उसका जा, पर अभी तक उसका चेक आ रहा है, पैसा आ रहा है मेरे घर में, मैं खुद चेक करती हूँ, खुद पैसा देखती हूँ। तो सोचिए ये है हमारे सेफ शॉप बिजनेस, तो क्या आप लोग इसको नहीं करना चाहोगे, तो सेफ शॉप आपको कभी दिक्कत होने नहीं देगी। इसीलिए मेहनत कीजिए एकदम पूरी लगन से, पूरी मेहनत, क्योंकि कृष्णा सर भी लगन से ही किए थे, उसको हम देखे थे काम करते हुए, कभी मैं उसके काम में अड़चन नहीं बनी, आज उसी का फल है जो मुझे और मेरे बच्चे को मिल रहा है। अगर मैं अड़चन बनती, मैं भी उसके काम में टांग अड़ाती तो शायद वो काम भी नहीं कर पाते और आज उनका चेक भी नहीं बनता और ना मेरे घर में 1 रुपया पैसा आता। क्या था? नो मैम। इसीलिए अगला का बात मत सुनिए, कहे कि अगला बताएगा आपको, जिंदगी जीना कोई नहीं सिखाएगा मेरे दोस्तों, जिंदगी जीना है ना तो सिर्फ सेफ शॉप में जिंदगी जिए, कहे कि जिंदगी हम लोग भी देखे हैं, हम लोग की भी स्थिति बहुत खराब था, सेफ शॉप नहीं किए तो उससे पहले बहुत खराब था। ये तो अभी मैं इतना महंगा महंगा साड़ी पहनी हूँ ना, ये सब नहीं थी बबीता उरा, बहुत सिंपल, पूरा हड्डी लगता था, पता नहीं हवा आएगा तो उड़िया जाएगी उससे थी। कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पहले का फोटो, पर सेफ शॉप के बाद आने के बाद क्या स्थिति होता है वो आप देख रहे हैं, और क्या चेक आता है, क्या पैसा आता है, वो सब तो आप देख ही रहे हैं, देख ही रहे ना। yes, इसीलिए पूरा लगन से कीजिए, पूरी मेहनत से करिए, आपका फल हमेशा मिलेगा आपको, ठीक ना। आगे ललिता मैम बोलेगी, सब खाएगी। नमस्कार वारियर। नमस्कार मैडम। क्या बात है, मैं फिर से कहना चाहती हूँ नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैडम। मेरा नाम है ललिता देवी, मैं चालू पर था छोटी सी गांव छोड़ा, यहाँ पे आए सभी मेहमानों को और सभी एसोसिएट को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियों से। कैसा लगा बबीता मैडम से मिलके? बहुत अच्छा, वाकई में, ताकि आए हैं आप लोग को उठाने के लिए, आपको लोग को बताने के लिए कि मेरी आज ये स्थिति आज मेरे साथ गुजर रहा है कि नहीं। तो मैं पहले, हम लोग की जिंदगी पहले क्या था इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, है ना। तो सोच के देखिए, जब मेरे हस्बैंड, हालांकि इंटर पढ़े, मेरे हस्बैंड का नाम है राजू राम, और हालांकि इंटर पढ़े हुए थे, इंटर पढ़े हुए हैं और हम जाता नहीं मैट्रिक तक, ये भी मैट्रिक तक, आज हम लोग दोनों बहन हैं, आज राजू राव और कृष्णा उराव दोनों भाई हैं। हम राजू राव से मेरा एरेज वेरेज हुआ था और ये लोग गुया गुया मेरे पसंद किए, शादी कर दिए, आज दोनों बहन एक ही घर में है, अच्छा लगता है। कभी कभी लड़बो करते थे, कभी कभी प्यारो बढ़ता है, है ना। लेकिन सोचिए देखिए, हम लोग की स्थिति जब मेरा शादी हुआ बहुत ही खराब थी, इतना खराब थी कि जब मेरे हस्बैंड लंबे थोड़ा सा फोज थे जिसमें बहुत दौड़ लगाए, नहीं हुआ, अंत में गांव में भट्टा में मोहिम मुंशी काम करना शुरू किए, ज़्यादा नहीं, उनका 2000-3000-4000 इसी बढ़ते बढ़ते 4000 हुआ था, महीने का मिल रहा था। आप ही लोग से पूछते हैं क्या 3000-4000 में घर चलेगा? नहीं चलता था, बहुत स्थिति खराब था। तो अभी कितना दिन? 6 महीना, 6 महीना भट्टा जाते थे और 6 महीना खेती बाड़ी हम लोग करते थे, ये जिंदगी है।
जो भट्ठा जाता हो जाता है कि नहीं? छह महीना भट्ठा जाता है, फिर आके खेती बाड़ी पूरा पूंजी डालता है, उसके बाद पूंजी निकलता है खेती बाड़ी से कि नहीं, वो भी कुछ नहीं, अब बस खत्म पैसा है कि नहीं? वो दिन हम लोग देखे हैं, इतना खराब स्थिति था। फिर ऐसी करते करते हमको नौकरी मिला आंगनबाड़ी सेविका में, लगा कि अब जिंदगी बदल जाए, क्योंकि मेरा सोच था, क्योंकि मायके में भी गरीबी स्थिति था, हम लोग इतना खराब स्थिति थी हम मायके में भी, और यहाँ भी आए वही स्थिति था। तो मेरा भी सोच था कि हम तो जैसे पढ़े हैं अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो नौकरी मिला तो लगा कि अब हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ा पाएंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? मिनी आंगनबाड़ी था, एक दिन का 25 रुपया था, तो आप ही बताइए एक दिन का 25 रुपया जोड़ के देख लीजिए कितना होगा। और जैसे आंगनबाड़ी लगा, नौकरी लगा, और मेरे हस्बैंड को भट्ठा छोड़ा दिए कि भट्ठा नहीं जाना है, आप ये बोल दिए गुस्सा के, जब तू हमको भट्ठा छोड़ाई ना, जब तुम पूरा काम करो, पूरा घर चलाओ। और मेरा तो हालत खराब हो गया, घर चलाना, हर चीज़ करना। तो ऐसे करते करते फिर जहाँ भी मंदिर जाते थे, भगवान से मन्नत करते थे, मांगते थे भगवान ऐसा काम दिला दे कि मेरा हस्बैंड करते, हमको सोचना नहीं पड़ता। और वाकई मेरे दोस्त, आज भगवान रास्ता देता है, आज बिजनेस को दिया, आज वाकई में सोच के देखिए, आज जब ज्वाइनिंग किए, हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए पैसा भी नहीं था, इधर उधर से जोगाड़ किए, मेरे ससुर कुछ पैसा दिया, हम लोग भी इधर से जोगाड़ किए और काम करना शुरू किए। काम कर रहे थे जिस समय, तो गांव वाला सब बोल रहा था अरे बिजनेस फालतू हो, आप लोग को भी बहुत कोई बोल रहा होगा है कि नहीं, बिजनेस फालतू हो, बेकार हो, कुछ नहीं होता हो। लेकिन हम लोग जान गए भाई, जब सुको मैडम अनपढ़ होके, ठेका पास होके, 14 साल भट्ठा करके, जब ये बिजनेस मार के हर एक सप्ताह इनकम करेगी, और एक उचित समय आए थे उसका हस्बैंड प्लान दिखाने, पहला काम ये था, जब लगा कि वो लोग काम ले सकता है तो भाई हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। और वाकई में उसी तरह काम को करते गए, लोग बहुत मना किया, बहुत लोग क्या क्या बोला, कितना पैर खींचने से सब किया, लेकिन हम लोग बैठे नहीं, हम लोग ये लोग दोनों भाई हम लोग सब काम को करते गए। आज देखिए लोग बोलता गया बेकार हो रही बिजनेस, फालतू हो, फालतू हो, लेकिन मेरे दोस्त आज दोनों भाई की बदलत, आज मेरे घर में एक कार नहीं, दो कार नहीं आती थी, कार हो गए मेरे दोस्त। ज्यादा भी नहीं हो रहा, हम लोग 5 साल हो रहा है, अब 5 साल का दरमियान सोच के देखिए, जब जिस समय में हम लोग का मेरा शादी हुआ था, उसमें मेरे पापा साइकिल दिया था दहेज में, और मेरे हस्बैंड घर में एक साइकिल था, और उसके अलावा कुछ नहीं था, सो अभी क्या साइकिल था, 6-7 साइकिल है ही नहीं। लेकिन आज सोच के देखिए, आज बिजनेस में हम लोग को कोई सोच नहीं था, कोई सपना नहीं था बिजनेस से पहले कि हमारे घर कार होगी, बाइक होगा, लेकिन आज बिजनेस को बदला।